अभी मैं आपको यूनिट वाले कॉलम में चेंजेस कैसे होते हैं वो मैं आपको सिखा रहा हूं। सबसे पहले पहले एक चीज मेरी याद रखना, कभी भी यूनिट का कॉलम दिया हो तो कभी कभी प्राइस में डिवाइड होगा, कभी कभी क्वांटिटी में डिवाइड होगा, फिर किसी में डिवाइड होगा, किसी में डिवाइड नहीं होगा। इसीलिए मैक्सिमम चांसेस मिस्टेक के इस टॉपिक में होते हैं। और एग्जाम में ये वाला टॉपिक का सम देखो, एक सिंपल सम था जिसमें प्राइस और क्वांटिटी डायरेक्ट दिया था, एक मैंने आपको बताया कि प्राइस के साथ एक्सपेंडिचर या एक्सपेंडिचर के साथ क्वांटिटी दी होगी, तो मैंने कहा कि एक्सपेंस के साथ प्राइस दिया हो के क्वांटिटी दिया, आपको डिवाइड तो करना ही है, सब वैल्यू को डिवाइड करना है, और एक्सपेंडिचर डिवाइड बाय प्राइस करोगे तो क्वांटिटी मिल जाएगी, और एक्सपेंडिचर डिवाइड बाय क्वांटिटी करोगे तो प्राइस मिल जाएगा, उसमें भी सबको डिवाइड तो करना ही है। एक कॉलम दिया होगा, एक कॉलम हम ढूंढेंगे, लेकिन इसमें अभी यूनिट वाले कॉलम में चेंजेस कैसे होते हैं वो आपको दिखा रहा हूं। अब आप क्या करोगे, कभी भी यूनिट वाला कॉलम हो ना तो पहले जो क्वेश्चन आपको क्वेश्चन पेपर में दिया है, ध्यान से सुनना, पहले तो आप अपने करेक्शन क्वेश्चन पेपर में करना, मतलब टेक्स्ट बुक में करना, उसके बाद तुम अपना आंसर नोटबुक में कॉपी करना। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कई बच्चे अपने आप को स्मार्ट समझते हैं और वो ओरली माइंड में कैलकुलेशन करते हैं, फिर 15 में से एक भी छूट गई, एक भी कैलकुलेशन रह गई, एक चीज भी कन्वर्ट करना रह गई ना, आपके पूरे मार्क्स पानी में। इसीलिए मैं बोलता हूं, जैसे कि देखो ये आपका क्वेश्चन पेपर है, ये आपको पेपर में सम दिया है, तो पहले इसको नोटबुक में कॉपी मत करो, जैसे नॉर्मली हम पूरा क्वेश्चन कॉपी कर लेते हैं, तो उसको कॉपी मत करो, इसमें पहले जो कन्वर्जन होता हो ना वो अपने पेपर में ही कर दो, अपने पेपर में ही कन्वर्जन कर दो, उसके बाद उसको कॉपी करो, तो उससे मिस्टेक के चांस बहुत कम होते हैं। और जो मैं बोलता हूं वो करना बेटा, ये हमारा एक्सपीरियंस है। अब देखो यहाँ पे जैसे कि ए में यूनिट में लिखा है 10 kg, मेरी बात पहले सुन लो, 99% आपका यूनिट का जो कॉलम होता है वो प्राइस को इफेक्ट करता है, 99% नॉट 100% किसको इफेक्ट करता है, प्राइस को। अब सुनो बेटा, पहले कॉलम नक्की कर लो, कौन से कॉलम है, 2018 2020, मतलब ये बेस ईयर है, ये करंट ईयर है, इसमें प्राइस क्वांटिटी, प्राइस क्वांटिटी, मतलब ये P0, ये Q0, ये P1, ये Q1, पहला कॉलम डिसाइड करना आप सीख जाओ, ये आपका P0 हुआ, ये Q0 हुआ, ये P1 हुआ, ये Q1 हुआ, ओके अंडरस्टूड। अब क्या है देखो, मैंने बोला यूनिट के कॉलम में 99% चेंजेस प्राइस में होते हैं, किसमें, प्राइस में। जैसे 10 केजी लिखा हो ना, देखो केजी में, लीटर में और मीटर में एक सिंपल कंसेप्ट है, केजी में, लीटर में और मीटर में एक सिंपल कंसेप्ट है, जितने भी केजी, जितने भी लीटर, जितने भी मीटर दिया हो, पहले जहां आपको दोनों प्राइस में, दोनों प्राइस के ऐसे डिवाइड में 10 और 10 लिख दो, क्यों 10, बिकॉज 10 केजी है, अगर 20 केजी हो तो डिवाइड बाय 20 रखो, 50 केजी है डिवाइड बाय 50 रखो। अब कई बच्चे ऐसा करते हैं, यहां पे प्राइस में डिवाइड करेंगे, वहां पे नहीं करेंगे, प्लीज ऐसा मत करना, दोनों प्राइस से कॉलम कौन से हैं, दोनों प्राइस से कॉलम कौन से पहले वो देख लो, और जो डिवाइड करोगे वो दोनों में करोगे। अब मेरी बात सुनना, 10 केजी है तो प्राइस को डिवाइड बाय 10 करना, दोनों प्राइस को, 20 हो तो 20 करना, 50 हो तो 50 करना, डरना मत, कंफ्यूज मत हो, बी कॉन्फिडेंट। अच्छा, और ये खाली चेक करना कि क्वांटिटी केजी में है कि नहीं है, है तो ओके, क्यों, क्वांटिटी में खाली क्या करना होता है बेटा, यूनिट में जो यूनिट है केजी वही क्वांटिटी में होना चाहिए, तो वो है, मतलब वो केजी में कन्वर्ट हो गया, अभी उसमें क्वांटिटी में कोई छेड़खानी नहीं। अब देखो जैसे इसमें केजी लिखा है, ओनली केजी लिखा है, तो ये ओनली केजी मतलब कितना, कुछ लिखा नहीं, 1 kg, मतलब ये 1 kg है, तो दोनों प्राइस के डिवाइड में 1 लिख दो। लेकिन फिर मैंने देखा कि यहां पे ग्राम्स हैं, तो आप सोचो 1 gram इक्वल टू हाउ मेनी केजी, 1 kg इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम, तो 1 kg इक्वल टू 1000 gram, तो ग्राम में हमेशा डिवाइड बाय 1000 करना, हमेशा मतलब हमेशा। अब कई बच्चे बोलते हैं सर यहां पे अपने 5 kg लिखा होता तो सुनो कुछ कंफ्यूज, मैंने कहा 5 kg है तो पहले प्राइस को डिवाइड बाय 5 कर दो, प्राइस के डिवाइड बाय 5 लिख दो, और ग्राम में तो 1000 ही लिखना, फिर 5000 मत करना, मैंने बोला ग्राम में डिवाइड बाय 1000 ही करना है, सुन लो समझ लो, भले कितना भी केजी क्यों ना हो, ग्राम में डिवाइड बाय 1000 ही करना है, ओके? और प्राइस में डिवाइड वो करना है जो डिजिट यहां पे लिखा हो, जैसे लीटर, चलो मैंने क्या बोला, केजी लीटर मीटर सेम होता है, 5 liter मतलब प्राइस को डिवाइड बाय 5 लिखो पहले, और देखो लीटर में ही है तो नो छेड़खानी,
अब डजन देखो, वन डजन पहले समझो, वन डजन मतलब क्या होता है, 12 पीसेस, वन डजन मतलब 12 पीसेस, तो प्राइस को डिवाइड बाय 12 करना है। लेकिन एक बार ये चेक करो कि क्वांटिटी में पीस वर्ड है कि नहीं है, क्योंकि अगर क्वांटिटी में पीस वर्ड है तो ही डजन में प्राइस को डिवाइड बाय 12 करना है। कई बच्चे बोलते हैं इसका मतलब ये है, यहाँ वन डजन लिखा हो, यहाँ 60 लिखा है, यहाँ 70 लिखा है, और यहाँ पे लिखा है सपोज करो 60 डजन 50 डजन, तो आपको डिवाइड 12 से करना ही नहीं है। मैंने इसलिए बोला जब भी वन डजन हो तो प्राइस को डिवाइड बाय 12 करना है, लेकिन क्वांटिटी में पीस वर्ड लिखा हुआ होना चाहिए। क्वांटिटी वर्ड में पीस वर्ड नहीं लिखा हो रहे तो मेहरबानी करके डिवाइड बाय 12 मत करना। अब नेक्स्ट है वन बॉक्स। अब कई बार वन बॉक्स मतलब, तो 99% केसेस में आपको टेक्स्ट बुक में मतलब सब में लिखा होगा ऐसे, वन बॉक्स इक्वल टू 50 नम्स या 50 पीसेस, ऐसी इंफॉर्मेशन आपको दी हुई होगी। चलो सपोज नहीं दी है तो बस वन बॉक्स में डिवाइड बाय 1 करो, खत्म करो, कुछ भी नहीं है। हमें क्या मालूम वन बॉक्स क्या होता है, अगर कुछ है तो देना पड़ेगा। जैसे मैंने सपोज ये दिया वन बॉक्स इक्वल टू 50 नम्स, ये दिया है सम में, तो वन बॉक्स मतलब 50 पीस है, तो डिवाइड में वही प्राइस को डिवाइड बाय 50। तुम देखो बेटा नोट कर रहे हो ना, मैं सभी प्राइस को ही डिवाइड कर रहा हूं। अब तक ग्राम में डिवाइड खाली हुआ है 1000 से, क्वांटिटी भाई क्वांटिटी चेंज नहीं हो रही है। अब बेटा ये चीज खास समझना एफ, क्योंकि इससे कंसल्टेड है। जब डजन वन होता है तो मैंने क्या सिखाया आपको, प्राइस को डिवाइड बाय 12 करना है, लेकिन क्वांटिटी में पीस लिखा होना चाहिए, सिंपल इतना बताया। लेकिन जब भी डजन एक से ज्यादा हो, जैसे यहां लिखा है 5 डजन, डजन अगर एक से ज्यादा हो ना, तो ध्यान रखना प्राइस में डिवाइड बाय वो ही रखना जो डजन में है, 5 है तो 5 रखना। कई बच्चे क्या करते हैं पता है, 1 डजन मतलब डिवाइड बाय 12 किया जो मैंने बताया, तो अगर 5 डजन है तो सर डिवाइड बाय 60 होगा, 4 डजन है सर डिवाइड बाय 48 होगा। कन्वर्ट करते हैं, मत करो, डजन एक हो तो डिवाइड बाय 12 करना है, लेकिन कब, जब पीस वर्ड लिखा हो। ये मैंने आप चौथी बार बोला इस लेक्चर में, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अब डजन जब ज्यादा हो ना तो डजन में डिवाइड उतना ही करना जितने डजन हो, 5 हो तो 5 से करना, 6 हो तो 6 से करना। और दूसरा चेंज, क्वांटिटी में जहां पीस लिखा है उसके डिवाइड बाय 12 लिखना, क्योंकि इसका मतलब ये है कि हमने इसको डजन में कन्वर्ट कर दिया। नॉर्मली क्या होता है, हम डजन को पीस में कन्वर्ट करते हैं, इसलिए डिवाइड बाय 12 किया। वन डजन को हम पीस में कन्वर्ट करते हैं, इसलिए डिवाइड बाय 12 किया, और पीस लिखा है कि नहीं लिखा है वो चेक किया। लेकिन डजन जब ज्यादा होते हैं ना तो हम डजन को डजन में ही कन्वर्ट करते हैं। अब डजन को डजन में कन्वर्ट करते हैं मतलब क्या, डजन 5 है हमने उसको 1 डजन में कन्वर्ट किया, डजन 15 है हमने उसको 1 डजन में कन्वर्ट किया, डजन को डजन में कन्वर्ट करना है। तो फिर से बोलता हूं, 5 डजन है तो आपको प्राइस में डिवाइड बाय 5 करना है, और जहां पीस है वहां 12 से करना है। देखो क्वांटिटी में यहां पे 4 डजन लिखा है तो इसको कोई छेड़खानी नहीं, पीस में डिवाइड बाय 12 करना है। ओके, जब डजन ज्यादा हो तब, जब डजन एक हो तो सिर्फ प्राइस में डिवाइड करना है, और पीस लिखा है कि नहीं लिखा है खाली वो चेक करना है, बिकॉज पीस लिखा है तो डिवाइड प्राइस में होगा, पीस नहीं लिखा तो डिवाइड 12 नहीं होगा। लेकिन डजन जब ज्यादा हो तो जितने डजन हो उतने से ही डिवाइड होगा प्राइस में, और पीस में डिवाइड बाय 12, और डजन में कुछ भी नहीं। चलो अब देखो बेटा ये चीज, क्विंटल, जैसे बॉक्स का मतलब 50 पीस, मैंने क्या बोला वो सब में इंफॉर्मेशन होगी, और नहीं हो तो बस बॉक्स, वन बॉक्स हो तो वन से डिवाइड करना, 5 बॉक्स हो तो 5 से करना। लेकिन क्विंटल में आपको याद रखना है, 1 क्विंटल, ये नोट कर लेना बेटा कहीं पे भी, अपनी नोटबुक में कहीं पे भी नोट करना पहले, 1 क्विंटल इक्वल टू 100 केजी, 1 क्विंटल इक्वल टू 100 केजी। अब देखो जैसे पहला नंबर ने बताया था कि 10 केजी है तो डिवाइड बाय 10 किया, 20 है तो डिवाइड बाय 20 करने का, तो 1 क्विंटल मतलब माइंड में रख दो 100 केजी, तो आप प्राइस को डिवाइड बाय 100 ही करोगे। और देखो केजी लिखा होना चाहिए क्योंकि ग्राम हो तो डिवाइड बाय 1000 करना है। अब एक और टन, ये भी नोट करना, टी ओ एन, टन, टन मतलब
1000 केजी, जैसे क्विंटल मतलब 100 केजी, ऐसे टन मतलब 1000 केजी, तो 1000 केजी है इसलिए प्राइस में डिवाइड बाय 1000 करना, और वो ही बेटा चेक करो क्वांटिटी में जो केजी है, लेकिन इस बार इसमें ग्राम है तो ग्राम में तो कंफर्म 1000 से डिवाइड करना ही है, मैंने कहा था आपको ग्राम हो तो क्वांटिटी में, ग्राम हो तो डिवाइड बाय 1000 ही करना है, इसमें नहीं है तो नहीं किया, इसमें है तो किया। अब पूरे समय आपने एक बार नोट कर ली बेटा, जो भी यूनिट में लिखा है उससे मैंने प्राइस को ही चेंज किया, जैसे कि 10 केजी डिवाइड बाय 10, 1 केजी 1, 5 लीटर तो 5, डजन में मेरे को डिवाइड बाय 12 करना, जब पीस लिखा हो तो 1 बॉक्स मतलब 50 पीस थे तो डिवाइड बाय 50, 5 डजन, डजन ज्यादा हो तो मैंने क्या बताया जितना हो उससे डिवाइड करना 5, 1 क्विंटल मतलब 100 केजी तो 100 से ही डिवाइड करना, टन मतलब 1000 केजी तो 1000 से ही डिवाइड करना, ओके। और क्वांटिटी में डिवाइड कब होगा, जब ग्राम लिखा होगा तो कंपलसरी 1000 से डिवाइड होगा, ओके। और डजन जब ज्यादा हो तो पीस को डिवाइड बाय 12 होगा। इस तरह से ये पूरे सम में कहां कहां डिवाइड होगा वो अपने क्वेश्चन पेपर में दिखा के, अब जब तुम नोटबुक में सम कॉपी करोगे तो आपको क्या होगा, देखो अभी इसमें कई जगह डिवाइड हुआ कहीं नहीं हुआ, तो एक बार पेपर में हो गया, अब जब तुम सम कॉपी करोगे ना तो सम कॉपी करने से सीधा ये 200/10 मतलब 20 लिखोगे, यहां 20 लिखोगे, यहां 30 लिखोगे, यहां 30 लिखोगे, यहां 12, यहां पे 5, मतलब कन्वर्ट करके डायरेक्ट वैल्यू लिखोगे तो आपको मिस्टेक नहीं होगी, ओके। तो आई होप तुमने ये समझा होगा कि यूनिट कॉलम दिया हो तो चेंज कैसे होता है। थैंक यू वेरी मच।